मॉर्निंग गाइस, दिस इज अर्निंग एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से अपनी फैमिली हो गई है 200K, मतलब 2,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए अपन ने। तो बहुत थोड़ा टाइम लगा 2,00,000 करने में। मतलब 2,00,000 करने का मतलब मेरा ये है कि मेरा चैनल मैंने बंद कर दिया था, 40,000 सब्सक्राइबर्स पे मैंने छोड़ दिया था एंड 80,000 पे आके वो रुक गया था। तो 7 महीने के लिए करीब करीब मैंने चैनल छोड़ा एंड उसका काफ़ी नुकसान हुआ मुझे, अगर मैं एक यूट्यूबर की नज़र से देखता हूँ। तो जो भी यूट्यूबिंग करता है, अगर वो यूट्यूबर वाकई में बनना चाहता है तो बीच में चैनल कभी ना छोड़े, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, बीच में काम तो बिल्कुल भी ना छोड़े। तो गाइस, 80,000 पे मेरे को लगा कि नहीं, ये कुछ गलत हो गया, जो जितनी मेहनत की थी वो सारी खराब हो गई, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टार्ट करते करते 92,000 एग्जैक्ट फिगर था जब मैंने स्टार्ट किया चैनल दोबारा प्रॉपरली। तो प्रॉपरली स्टार्ट किया और करीब करीब 95,000 सब्सक्राइबर या 98,000 सब्सक्राइबर के आसपास मैंने लिया था 365 डेज चैलेंज। तो 365 डेज चैलेंज का ये फायदा हुआ कि अभी ऑलमोस्ट करीब करीब 100-102 वीडियोस हो चुके हैं और करीब करीब मान लीजिए 100 वीडियो के अंदर अंदर 1,00,000 सब्सक्राइबर और बढ़ गए। तो गाइज, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने चैनल का कि अगर कोई भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है तो कितनी मेहनत लगेगी और कितनी मेहनत के बाद क्या रिजल्ट। तो रिजल्ट ये है कि अपनी फैमिली हो गई है 2,00,000 सब्सक्राइबर्स की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू टर्बो फैमिली एंड गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही है जिस वजह से मैं अभी तक ये कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो 200K सब्सक्राइबर्स की एक सेलिब्रेशन के लिए आज थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो आज ये वीडियो मैं जस्ट अभी खत्म नहीं करूंगा, जस्ट अभी मतलब कि पहले मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो आज 200K स्पेशल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब बाइक, तो स्पेशल बाइक 200K के लिए। तो चलते हैं, पहले बाइक दिखाते हैं। गाइज, हियर इज द ब्यूटी एंड दिस इज द स्पेशल मशीन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिलीव मी गाइज, इसके साइज पे मत जाना, ये बहुत डिफरेंट बाइक है और बहुत लेजेंडरी बाइक है। सो दिस इज द यामाहा RX135। तो 1990 में लॉन्च हुई थी और करीब करीब मैंने जब ली थी ये, तो ये है 97 मॉडल। तो ये ओरिजिनल, इसके अंदर सिर्फ जो टैंक है वो है एंड प्लस द इंजन, बाकी चेसी, बाकी जितना भी सामान लगा हुआ है ये सारा कस्टमाइज है। कस्टमाइज मतलब अगर इसके मैं ये व्हील्स की और आगे के शॉकर्स की बात करूँ तो ये सारा पल्सर का है, डिस्क ब्रेक के साथ में पीछे का व्हील भी पूरा पल्सर का है, एग्जॉस्ट इसका कस्टम बना हुआ है, देन पेंट इज स्पेशल, पूरा पेंट कराया हुआ है एंड पेंट के साथ में ये ग्राफिक्स है अंदर। तो सीट इसकी कस्टम है अगेन, टैंक स्टॉक है, ये पूरे जो स्विचेज हैं ये मैंने मायापुरी से लिए थे, आई थिंक मेरे ख्याल से पुरानी वाली पल्सर के हैं ये, बट मुझे पता नहीं है। हैंडल बार जो है ये यामा RD350 का है इसमें एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज़ अमेजिंग बाइक। बहुत पुरानी है मेरे पास में, ये मेरी फर्स्ट बाइक तो नहीं है बट ये फर्स्ट ब्रांड है जो मैंने लिया था मेरी लाइफ का।
तो मैंने जब बाइक स्टार्ट की थी तो करी थी RX 100 से, बट ये है RX 135। सो दिस इज़ अ 5 गियर बाइक, 14 BHP, उस ज़माने की बहुत ही पावरफुल बाइक होती थी। एंड क्या ही बोलूँ इसके बारे में, आज भी इससे प्यार है मुझे और ये मेरे ड्राइंग रूम में खड़ी होती है। तो चलते हैं राइड पे। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ पेट्रोल पंप, इसमें पेट्रोल डलवाना है बाइक में। और दिस इज़ अ 2-स्ट्रोक बाइक, तो इसमें क्या है कि ऑयल डलता है पेट्रोल के साथ में। हाय हाय भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, जो मज़ा आ रहा है ना चलाने में, नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। एक तो इतनी हल्की है ये कि भाई क्या ही बोलूँ। तो कंपनी कहती है इसकी स्पीड है 110 टॉप, बट ये वाली मेरी क्या खड़ी ज़्यादा रहती है, तो 110 तो मुझे लगता नहीं चलेगी ये। भाई यहाँ पे इसने दम तोड़ दिया। तो आई बिलीव ये स्पीड होगी शायद 60-70 की, तो इसको और तेज चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्यून अप करना पड़ेगा, और ट्यून अप अभी तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि ये खड़ी रहती है ड्राइंग रूम में। और अभी अभी मैंने इसका इंजन का काम कराया है, तो एक और डिफरेंस है कि अभी वैसे भी इसके फ्यूल जो हैं कार्बोरेटर से, वो बहुत ज़्यादा जेट्स जो इसके होते हैं वो खोले नहीं हुए, ताकि ये तेज़ भागे नहीं। अगर ज़्यादा तेज़ भगाऊँगा मैं तो सब कुछ इसका भाई हिलला जाएगा और उड़ा जाएगा। तो ये बाइक मेरे पर्टिकुलर बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं पहले मोटोक्रॉस रेसिंग करता था। तो मोटोक्रॉस रेसिंग मैंने स्टार्ट की थी 1998 में, और 2002 में मैं स्टेट जीता था। और ये बाइक उस टाइम पे बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, डिफरेंट मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रेस्ड थी, पूरी प्रॉपर मोटोक्रॉस बाइक बनाई हुई थी, पीछे मोनो सस्पेंशन हुआ करता था इसमें, और उस ज़माने में मोनो सस्पेंशन होना एक बहुत डिफरेंट बात होती थी। इसके अंदर जो टायर लगते थे वो प्रॉपर उस टाइम पे ऑफ रोडिंग टायर लगाए हुए थे मैंने, एंड बिलीव मी गाइस दिस वाज वेरी डिफरेंट उस टाइम पे, बहुत डिफरेंट बाइक थी। फिर उसके बाद मेरा हो गया एक्सीडेंट, एंड ये बाइक ऑलमोस्ट पूरी क्रैश हो गई थी। तो क्रैश के बाद मैंने इसको फिर एक शोपीस बनाने का सोचा कि चलो ठीक है रखते हैं इसको, एंड मैंने फिर इसको पूरा कैफे रेसर में बदलवा दिया। तो ये अभी जैसी दिख रही है ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी पहले, पहले बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी और बहुत साफ सुथरी थी, मतलब कलर वलर ये जो जैसे रस्ट वस्ट लगा हुआ है पूरा, ये बिल्कुल भी नहीं था, ये खड़े खड़े सारा लगा है इसमें। तो भाई ये उस टाइम की बहुत ही लेजेंडरी बाइक थी, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत लेजेंडरी, मतलब मेरे जितने भी दोस्त यार थे और सारे जानकार थे वो लिटरली इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। एंड अभी भी ये ड्राइंग रूम में मेरे खड़ी रहती है तो एक अलग ही टशन रहता है, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट थिंग। तो अब डलवाते हैं इसमें फ्यूल, और इसकी चाबी ये लगा रखी मैंने, तो इसमें ऑन ऑफ का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चाबी लगती है फ्यूल वाली। तो दोस्तों इसमें ऑयल डलता है बाइक में पेट्रोल के साथ में, और बिकॉज दिस इज़ अ 2-स्ट्रोक बाइक, तो 2-स्ट्रोक जितनी भी बाइक्स होती थी उसमें ऑयल हमेशा साथ में ही डलता था। तो इसमें 3 ढक्कन ऑयल डाला है अपन ने पेट्रोल के साथ में, अराउंड अराउंड 30 रुपीज़ का। तो फ्यूल डलेगा इसमें 170 का। तो भाई इसमें कोई चाबी वाबी नहीं लगाते अपन, क्योंकि चाबी का कुछ है ही नहीं, तो इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक टाया हुआ है बाइक का, मतलब जैसे इसमें लाइट, इंडिकेटर और स्विच सिस्टम, ये वो कोई भी तामझाम नहीं है इसमें, सारा कुछ हटा रखा है। एंड वेट बहुत कम हो गया इस वजह से इस बाइक का। तो भाई इसको स्टार्ट करके जो एक मज़ा आता है ना, और जो आवाज़ आती है, नेक्स्ट लेवल। एंड बिलीव मी दिस इज़ अ आई कैचर बाइक, मतलब इतना अटेंशन लेती है ना ये बाइक, कहीं पे भी लेके जाओ बिल्कुल लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसको प्रॉपरली, मतलब लोगों की नज़र रुक जाती है इस पर। तो उसके 2-3 रीज़न है, एक तो ये लेजेंडरी है, बहुत डिफरेंट है, दूसरी इसकी आवाज़, तीसरा ये जो अपन ने कैफे रेसर में बना रखी है, तो बहुत ही छोटी सी बच्ची सी क्यूट सी बाइक लगती है बिल्कुल। मेरे ख्याल से भी 60-70 की स्पीड पे आ गई होगी ये।
अरे भाई जा रही है जा रही है जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा मेरी जान। तो वैसे तो खैर इसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, बट मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरी बिल्कुल भी चलाने की आदत नहीं है, इतनी हल्की बाइक। तो इसमें ABS ABS कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है बिल्कुल, रॉ डिस्क ब्रेक है। बहुत पुरानी वाली कोई अपना पल्सर थी, उसका सामान लिया था मैंने मायापुरी से और उसको तैयार कराया था। तो तैयार कराने में भी कोई मेरे ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे, करीब करीब शायद सब कुछ मिला के 10,000 रुपये में पूरी तैयार हो गई। चलो थोड़ा सा खींचते हैं। गजब। सो गाइस होप आपको ये बाइक और राइड पसंद आएंगे। तो दिस वाज द 200 के सब्सक्राइबर्स बाइक स्पेशल दिन के लिए। एंड बिलीव मी यार, चला के इतना मजा आ रहा है कि मन कर रहा है अभी थोड़े दिन इसको नीचे रखूं, थोड़ा राइड वाइड पे और लेके जाऊं। तो अगर आप इस बाइक को और भी आगे राइड पे देखना चाहते हो तो मुझे बताना। सुपर बाइक के ग्रुप के साथ तो मैं नहीं जा पाऊंगा इसको लेके, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ रह गया और वो बेचारे मेरा वेट ही करते रह जाएंगे। तो कभी वैसे ही गेड़ी गेड़ी मारेंगे, बताना मुझे। रात को तो ये निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, सो इट्स वेरी रिस्की। बताना मुझे अगर कभी इसकी राइड आप देखना चाहते हो तो। गाइस होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया और बाइक पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। एंड थैंक्स अ लॉट टू कंप्लीट टर्बो फैमिली फॉर द कंप्लीट सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।